गया जिला के इमामगंज विधानसभा के डुमरिया प्रखंड के भंगिया पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय भंगिया के प्रांगण में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्रीय विधायक श्री जीतन राम मांझी ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। वहीं श्री मांझी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि शराब दवा की तरफ प्रयोग करिए, साथ साथ क्षेत्र की समस्या पर भी संबोधन किया। इसके अलावा क्षेत्र में इमामगंज में बड़े पैमाने पर हो रही अफीम की खेती पर भी कहा कि हमें जानकारी नहीं है, पर इस पर आला अधिकारी से बात करेंगे। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप की बातों पर मांझी ने पलटवार में कहा कि वे ख्याली पुलाव बना रहे हैं, हम एनडीए में हैं, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इस मौके पर समाजसेवी जैदी खान, हम के प्रदेश प्रवक्ता परवेश खान, जेडीयू नेता मसूद खान, इरशाद अंसारी, वीरेंद्र कुमार दांगी, वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव कुमार पाठक, हम के जिला अध्यक्ष नारायण मांझी, रोशन मांझी, भांगिया के मुखिया महेंद्र यादव, प्रमुखिया संतोष साव, विकास भारती, समाजसेवी नौसाद आलम आदि मौजूद थे। के ये छठा मेरा पड़ाव था अपने क्षेत्र में, और इस साल खास करके भीषण ठंड पड़ा तो हमारे समझ में ऐसा आया कि जो गरीब लोग हैं जिनको कपड़ा नहीं है, कम्बल बिना जाते हैं, तो कम से कम वैसे वैसे लोगों के लिए जहाँ जहाँ केंद्र बनाया उस केंद्र में 500 कम्बल बांटने का काम किया। तो ये छठा पड़ाव था और अंतिम पड़ाव है, आज भी यहाँ 500 कम्बल बनाए और उसका वितरण हुआ। वितरण करके कुछ हद तक अपने में संतुष्ट पाते हैं कि हमको अगर अनुसूचित के लोगों के लिए थोड़ा भी कुछ करना होता या हुआ है तो हमने किया है। यही संदर्भ में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप लोग आए, आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस निधि से आप यहाँ पे वितरण कर रहे हैं? किस निधि से, किस फंड से आप कर रहे हैं? व्यक्तिगत अपना फंड, अपना फंड, मेरी वेतन का पैसा, वेतन का पैसा लेकर के हम लोग दे रहे हैं और करीब करीब 3,000 अभी अंतिम है, अगला जाड़ा में रखा जाएगा। भंगिया के यहाँ के ग्रामीण जनता आपसे मांग जो किए हैं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, अभी बात तुमने कही कि यहाँ पर स्वास्थ्य यहाँ तक सवाल है, इसका भी प्रबंध हम कराएंगे, जिसके लिए संकल्प के लिए हम प्रयास करेंगे, लिखावड़ी करेंगे। और यहाँ जहाँ उच्च विद्यालय है और उन्नत उच्च विद्यालय है तो इसमें टीचर नहीं है, तो टीचर की बात करेंगे। रोड बनी हुई है लेकिन यहाँ से आगे एक सुपरफास्ट हुआ है, 1 किलोमीटर ये क्या पड़ता है, वहाँ तक रोड नहीं बने, उस रोड को भी कम्प्लीट करेंगे। यहाँ पर कम से कम 17 या 18 जो पुल है उसमें काम लग चुका है, उसका शिलान्यास हुआ है, काम आरम्भ है, और करीब 8-9 पुल और आने वाला है। और सड़क का यहाँ तक सवाल है, 233 से 234 छोटा वाला सड़क भी सेंक्शन हुआ है और उसमें काम लगा हुआ है। जी पुल तो बन गए हैं सर, अभी आप रास्ते से आए देखे होंगे, विश्रामपुर पूर्व भी जो है सर, और यहाँ भी काली दफर सपोर्टिंग नहीं रहने के कारण सर नीचे से जो मटेरियल वो भी बह जाता है और दुर्घटना भी बड़ी हो जाती है सर। वो टेक्निकल बात है, आपने भी नॉलेज में दिया, हमारे नॉलेज में भी आया, हमने देखा भी, हम जाते जाते जो एजेंसी हैं या जो कराने वाला डिपार्टमेंट है उसको ये दोनों पुल के बारे में कहेंगे कि वहाँ पर उसमें जो भी आवश्यकता है जिससे कि और तरह की बात ना हो, पुल कमजोर ना हो, एक्सीडेंट नहीं हो, उसी व्यवस्था आप कीजिए, वैसा हम करेंगे। आज के अखबार में खबर छपी है सर कि इमामगंज में सलैया थाना क्षेत्र में जो है प्रशासन की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर लगभग 2 अरब की अफीम की खेती की गई है। और एक तरफ सरकार लेमन ग्रास लगवा करके लोग को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह का धंधा छोड़े, तो इस पर क्या है? देखिए इसके बाद हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।